बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद इरफान, लेक्चरर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लियाकतपुर। आज हम चैप्टर 7 सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जो कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है। कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या होती है, और इसमें हम देखेंगे कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है वो कौन से कंपाउंड शो करते हैं, मतलब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, कि अगर वो कंडीशन पूरी होंगी तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है वो शो होगी, अदरवाइज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? सबसे पहले तो हम रिव्यू कर लेते हैं जो हमने लेक्चर पहले पढ़ा। लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था वो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड था। ये जो वर्ड आइसोमेरिज्म है, ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, इसके दो पार्ट्स हैं। आइसोस, आइसो का मतलब होता है सेम, एक जैसे, आइडेंटिकल। आइसो मीन सेम, मेर मिरोस, मिरोस मतलब पार्ट्स। तो वर्ड आइसोमर जो है ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। आइसो का मतलब समझ लें सेम है, और मिरोस जो है इसका मतलब जो है पार्ट्स है। तो इसका जो ओवरऑल मतलब हो जाएगा इक्वल पार्ट्स हो जाएगा। तो आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देखने से पहले हम इन दो कंपाउंड को एनालाइज करते हैं। यहाँ पर देखें, एक कार्बन, दो, तीन, चार, चार कार्बन हैं, तीन, दो, पांच, दो, सात और तीन, दस, और दस हाइड्रोजन है। मतलब चार कार्बन और दस हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है। ये वाला कंपाउंड देखते हैं, एक, दो, तीन और चार, मतलब यहाँ पर कार्बन चार हैं, जैसे कि इस कंपाउंड में थे। और हाइड्रोजन देखें तो तीन, तीन छः, तीन नौ और एक दस, और दस हाइड्रोजन। तो दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला वो केमिकल फार्मूला है जो मॉलिक्यूल में एक्चुअल तादाद बताया एटम की, कि मॉलिक्यूल में टोटल एटम्स कितने हैं, कार्बन की एटम्स कितने हैं, हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं। तो अगर हम इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो वो सेम है। इसमें भी C4H10 है, इसमें भी C4H10 है, लेकिन इनमें अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट है। यहाँ पर एटम जो है एक स्ट्रेट चेन के अंदर जुड़े हुए हैं, एक ही लाइन के अंदर जुड़े हुए हैं, एक ही लाइन के अंदर कनेक्टेड है। जबकि ये वाला जो कंपाउंड है इसमें तीन एटम एक लाइन में अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, जबकि एक जो है ब्रांच की शक्ल में अटैच है। तो इन दोनों में अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट है मॉलिक्यूल में। तो ऐसे कंपाउंड्स आइसोमर्स कहलाते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, आइसोमर्स कहलाते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज भी जो है वो डिफरेंट होती है। तो आइसोमर की डेफिनेशन क्या हुई? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, आइसोमर्स कहलाते हैं। एक और हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये है एथानॉल और दूसरा है डाइमिथाइल ईथर, तो डिफरेंट क्लासेस हैं। अब हम इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूले की तरफ जाते हैं। कार्बन देखें, एक ये कार्बन है, उसे ये कार्बन है, दो कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट करें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, छः हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन एक है। दो कार्बन, छः हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। इस कंपाउंड में देखते हैं, एक और एक, दो कार्बन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, तीन और तीन, छः हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है मॉलिक्यूल में वो डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड
जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो आइसोमर्स कहलाते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। अब ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। ये कार्बन एटम की तादाद जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते जाते हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ कार्बन एटम्स। आइसोमेरिज्म जो है ये दो तरह की होती है, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरी है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। एक्चुअली में दो ब्रॉडर टाइप होती है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, और दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप है, लेकिन हमारी जो क्योंकि सेकेंड ईयर में सिर्फ दो चीजें डिस्कस की गई हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जैसे हमने ये ऊपर वाली एग्जांपल देखी, इन दोनों में कनेक्टिविटी ऑफ एटम डिफरेंट है, अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट है मॉलिक्यूल के अंदर, और ये वाली एग्जांपल इसमें भी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट है, तो ऐसे आइसोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। ये तो था हमारा प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने जिसको हमने थोड़ा सा रिव्यू किया। हम अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, इसके लिए भी हम पहले एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये दो मॉलिक्यूल देखें, इसमें इस मॉलिक्यूल में कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पर भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप अटैच है, यानी कि एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और मिथाइल। इस कंपाउंड में देखें कार्बन है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और मिथाइल है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन और मिथाइल है, मतलब कनेक्टिविटी डिफरेंट है, तो कनेक्टिविटी सेम है। यहाँ पर भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन और मिथाइल अटैच है, यहाँ पर भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन और मिथाइल अटैच है, यहाँ पर भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन और मिथाइल अटैच है, यहाँ पर भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन और मिथाइल अटैच है, कनेक्टिविटी सेम है। इनमें डिफरेंट क्या है, इसमें डिफरेंट जो है आइडेंटिकल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है स्पेस में। यहाँ पर ये देखें कि हाइड्रोजन जो है दोनों आइडेंटिकल हैं और ऊपर है, और यहाँ पर मिथाइल दोनों नीचे हैं, जबकि यहाँ पर देखें एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ऊपर है और एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन नीचे है। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म की वो टाइप है जिसमें आइडेंटिकल ग्रुप की पोजीशन जो है वो स्पेस में डिफरेंट होती है। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाली एग्जांपल देखें, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन दो ऊपर हैं, हाइड्रोजन भी ऊपर है क्लोरीन भी ऊपर है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में देखें क्लोरीन और ये क्लोरीन दोनों ऊपर हैं, यहां पर क्लोरीन और हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यानी कि आइडेंटिकल ग्रुप इसमें सेम साइड पर हैं, जबकि इसमें आइडेंटिकल ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड पर है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, अब इजीली क्लियर हो जाएगी। द आइसोमेरिज्म ड्यू टू विच कंपाउंड हैव सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट पोजिशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप इन स्पेस इज कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में स्पेस के अंदर स्पेस में आइडेंटिकल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है। एक और की डेफिनेशन भी करते हैं, द आइसोमेरिज्म ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसको अब हम मजीद जस्टिफाई करते हैं, देखते हैं कि ये सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर से पहले हम देखते हैं नेसेसरी कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन है। कंडीशन जो है इसकी दो कंडीशन है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की, तो कंडीशंस कौन सी हैं, एक तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए, यहां पर तो मिसिंग हो गई है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए जिसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है इसके ये रोटेशन पॉसिबल नहीं होती,
जो ग्रुप नीचे है वो नीचे ही रहता है और जो ऊपर है वो ऊपर ही रहता है, ये मूव नहीं कर सकते। इसी तरह यहां पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो पहली कंडीशन जो है किस स्टार ऑर्गेनिज्म की, वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। यहां पर वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मूव नहीं कर सकते ग्रुप वो डबल बॉन्ड की वजह से। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे क्या कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। सेकंड कंडीशन ये है कि आप ये देखेंगे कि ये जो कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, क्या इसके साथ जो ग्रुप अटैच है वो सेम है या डिफरेंट है। तो ये देखें, इस कार्बन के साथ ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इस कार्बन के साथ भी देखेंगे दोनों ग्रुप डिफरेंट है। तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ जो ग्रुप अटैच हो वो लाजमी तौर पर डिफरेंट होने चाहिए। जहां पर ये वाला कार्बन देखें, इसमें भी इस कार्बन के साथ दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इस कार्बन के साथ भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के लिए दो चीजें जरूरी हैं, दो कंडीशन जरूरी हैं। एक तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, सिंपल यूं कह लें कि डबल बॉन्ड हो, और दूसरा देखें क्या डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो ग्रुप अटैच है वो डिफरेंट है या नहीं है। अगर डिफरेंट है तो फिर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अब हम इसकी टाइप्स देखते हैं, एक होता है सिस आइसोमर, एक होता है ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर क्या होता है? सिस का मतलब होता है सेम। क्या मतलब सेम? सेम से मुराद यहां पर आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पर होंगे। एन आइसोमर इन विच सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। जैसे मैं एग्जांपल दिखा देता हूं, ये डबल बॉन्ड है, ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप हैं, ये दोनों सेम साइड पर हैं, तो ये सिस आइसोमर होगा। इसी तरह देखें, हाइड्रोजन दोनों सेम साइड पर है तो सिस आइसोमर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यहां पर ये वाला जो एग्जांपल है, यहां पर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप हैं, सेम साइड पर है, नीचे हैं, बिलो हैं, और यहां पर ये दोनों क्लोरीन ऊपर की तरफ है। तो ऐसे आइसोमर, ऐसे ज्योमेट्रिक आइसोमर जिसमें आइडेंटिकल ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड पर है। इसी तरह ये वाला कंपाउंड देखें, इसमें दोनों मिथाइल जो है वो ऊपर की तरफ मौजूद है, दोनों हाइड्रोजन नीचे की तरफ मौजूद है, तो ये सिस आइसोमर। अब नेक्स्ट जो है हमारा ट्रांस आइसोमर, ट्रांस मतलब चेंज, अपोजिट साइड पर कह लें। एन आइसोमर इन विच सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर में अपोजिट ग्रुप जो आइडेंटिकल ग्रुप है वो अपोजिट साइड पर होंगे। कैसे, इसको भी हम देख लेते हैं। अब ये वाला आइसोमर देखें, ये जो है ट्रांस टू ब्यूटीन, इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों जैसे है ना, तो ये दोनों अपोजिट साइड पर हैं, एक अबव है एक बिलो है। इसी तरह यहां पर देखें, ये मिथाइल और ये भी मिथाइल दोनों आइडेंटिकल है, एक ऊपर है और एक नीचे है। अब सेम ग्रुप आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट साइड पर मौजूद है, ऐसे आइसोमर्स को ट्रांस आइसोमर कहते हैं। ये देखें, ये वाली एग्जांपल क्लोरीन और क्लोरीन आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट साइड पर है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अपोजिट साइड पर है, तो ऐसे आइसोमर्स ट्रांस आइसोमर्स कहलाते हैं। एक बार हम फिर से रिव्यू कर लेते हैं कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या है या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या है। ये आइसोमेरिज्म की वो टाइप है जिसमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, लेकिन जो आइडेंटिकल ग्रुप हैं उनकी पोजीशन स्पेस के अंदर डिफरेंट होती है। या वो आइसोमेरिज्म जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से बनती है या अराइज होती है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये दो तरह के इसमें आइसोमर होते हैं, एक सिस आइसोमर होता है जिसमें आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पर होते हैं, ट्रांस आइसोमर जिसमें आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट साइड पर होते हैं। नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं? एक तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, दूसरा जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके साथ जो ग्रुप अटैच है वो मस्ट बी डिफरेंट हो। अब आपके लिए छोटी सी असाइनमेंट कि कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है उसके गिर्द तो रोटेशन पॉसिबल होते हैं,
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उसके गिर्द ग्रुप क्यों नहीं रोटेट कर सकते? ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।